कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है, क्या है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, नहीं दस नहीं साल तक हम उसामा बिन लादिन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। मेरे ख्याल याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। बुजदिल सिपा सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं है, हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो है कि SCO की मीटिंग के लिए जो बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं उनके दौरे के ऊपर यहाँ पर पानी फिर सकता है, या तो भारत सरकार मना कर सकती है या खुद से ही मना कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में पुंछ के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दूसरी जो खबर है ना वो ये है और काफ़ी मज़ेदार है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है, मतलब ये कहा था पहले, अब ये बात मीडिया में आई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो इंडियन आर्मी के सामने लड़ने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से मात खाएगी अगर युद्ध होता है तो। और इस खबर ने पाकिस्तान के अंदर भूचाल मचा रखा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये विजिट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है, क्या है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, दस साल तक हम उसामा बिन लादिन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। मेरे ख्याल याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। बुजदिल सिपा सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं है, हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं है। वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, बल्कि एक बुजदिल सिपा सलार से भी था जिसकी कांपे टांग रही, और वो बात ठीक थी जो हामिद मीर साहब ने कही है। बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे, अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे, जिसने इसकी हमले की रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है। मेरे ख्याल पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते से पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने घुसपैठ की थी। मैंने जो खबरें आपको बताई मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के, हमें हम बड़े वो थे कि जनाब चलें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विजिट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, और ये विजिट अब होगा या नहीं होगा, इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कह दिया जाएगा कि नहीं हम नहीं आ रहे क्योंकि ये तो ये हो गया, ये तो हालात ही हो गए। जब ये सुबह सुबह और बल्कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त ये पता चल रहा था कि क्या अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इन हालात के बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली मीटिंग हो जो होनी है और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जाएं। उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था, याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं, 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था जब वो ये कह रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहे हैं, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था इतने गुस्से में आ गई थी। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है, एनडीयू वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर ले। हमने कहा था आपने अजीत डोवाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी, कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। हमने ये देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जाने की जैसे ही बात शुरू हुई तो उसके बाद फिर से हालात पैदा हुए इंडिया के, वहां पर फिर उनकी तरफ से ये ब्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान के कुछ जो तंजीमें उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने करवाया, पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो जवाब दे रहा है कि हमारे ऊपर इसका मलबा डाला जा रहा है वगैरह। इससे मुझे लगता है कि हालात आपको लगता है कि ठीक रहेंगे, क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा समझता हूँ इसमें आलिया, जो मेरी नजर में कि जो देखें इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी, टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई तीसरी ऐसी कुव्वत इसमें मौजूद है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक ना हो। अब उसमें मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल वाच कर रहा था भारत से जो आवाजें आ रही हैं कि जिसने इसकी हमले की रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो दो प्रकार की न्यूज इस वीडियो से निकल कर आई है। पहली तो पूंछ के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मतलब भारत के अंदर आतंकवाद पाकिस्तानी फैलाता है ये बात जो है पूरी दुनिया जानती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई टकी छुपी बात नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं उनको सबको जो है पाकिस्तानी पालता है, चाहे आतंकवादी हमला अमेरिका के में हो, चाहे यूरोप में कहीं पर भी हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, उनके तार कहीं ना कहीं घूम घूम से वो पाकिस्तान के साथ तो आ जुड़ते हैं, ये बात पक्की है। दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार पाकिस्तान से डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़ते ही हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने अगर किसी काम में महारत हासिल की है ना तो वो आतंकवाद फैलाने में किए हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी जो बात है वो ये है, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने मीडिया में पहले ये बयान दिया था, जो बात अब निकल कर सामने आई है, हालांकि ये बात उन्होंने काफ़ी पहले कह दी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार की कोई जंग होती है या पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई ऐसी हरकत करता है जिससे कि इंडियन आर्मी किसी भी प्रकार का हमला करती है, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडियन आर्मी के सामने टिक पाएगी, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं है, हमारे पास उतने आधुनिक हथियार नहीं है कि हम जो है पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी से मुकाबला कर सके। तो देखिए इसमें तो बात में तो सच्चाई है, वो पाकिस्तानी इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन एक बात आज पता चल गई कि उनके जनरल तक जो है वो सब जानते हैं कि उनकी औकात नहीं है उनकी पाकिस्तान की आर्मी की कि वो इंडियन आर्मी से आमने सामने आकर लड़ सके। दूसरी जो एक बात है कि जो पुंछ के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है और उसके पीछे पाकिस्तान की मीडिया ये भी बातें कर रही है, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि कोई ऐसी ताकत है पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए, अच्छे हो जाए, क्योंकि इससे किसी न किसी को नुकसान पहुंचता है। अब वो किसको पहुंचता है वो हम सबको ही पता है। पिछले दिनों में अगर इतिहास में हम जाए तो भी जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होना शुरू होती थी या वार्तालाप होती थी तो उसके तुरंत बाद आतंकवादी हमला हो जाता था ताकि ये रिश्ते जो हैं ज़्यादा नॉर्मलाइज ना हो और आगे ना बढ़ पाए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।